गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज थी संडे मॉर्निंग, छुट्टी का दिन। आज मेरी हाउस हेल्प ने भी लेट आना था तो मैं भी थोड़ा आराम से उठी। हमेशा की तरह मैंने अपना नींबू पानी पिया, ये दोनों तो अभी भी सो रहे थे और मैं निकल गई वॉक के लिए। और थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि नीर भी आ रहा है अपनी साइकिलिंग करने। आज बहुत दिनों बाद मेरे 5000 स्टेप्स भी पूरे हो गए थे। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके मैं चली गई मार्केट थोड़ा घर का सामान और वेजिटेबल्स लेने के लिए। आज छुट्टी का दिन भी था और बारिश का भी मौसम था और सबका मन कर रहा था खाने का पकौड़े। मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है बारिश और पकोड़ों का, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है इतना मन करता है पकोड़े खाने का, और साथ में अगर मिल जाए अदरक वाली चाय तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने आलू प्याज और पनीर के पकोड़े हाफ टन करके रख दिए, उसको मैं बाद में फ्रेशली बनाऊंगी। और नीर को थोड़ा सा मैंने पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया जब तक कि ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो रहा था। साथ में मैंने बनानी शुरू कर दी धनिया की चटनी। अच्छे से धनिया धो लिया और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा मैंने अखरोट डाल के चटनी बनाई। बहुत ही यम्मी चटनी बनती है। सब कुछ प्रिपेयर करते करते ऑलमोस्ट ब्रंच टाइम हो ही गया था। फटाफट से मैं रेडी हो गई और एक तरफ मैंने रख दी अदरक वाली चाय बनने के लिए और साथ ही मैं स्टार्ट कर दिया पकोड़े बनाना। पकोड़े खाने का भी यहाँ पे सबका अपना अपना स्टाइल है। नील को खाने होते हैं केचप और हरी चटनी के साथ पकोड़े, और मेरे हस्बैंड को खाने होते हैं ब्रेड के अंदर पकोड़ों को फिल करके उसका सैंडविच बना के। जब पकोड़ों को इतना एंजॉय करके दोनों खा रहे हैं तो मैंने सोचा चाय भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से इनको दी जाए, तो मैंने कटिंग टी सेट के अंदर ही चाय दे दी। और वो स्टैंड देख के ही मुझे खुद ही इतना मज़ा आ रहा था। नील को तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, वो चाय कम ही पीता है तो उसने थोड़ी सी चाय ले ही ली। ब्रेकफास्ट करके घर के थोड़े काम निपटाए और रेस्ट किया। शाम को अच्छी खासी बारिश शुरू होगी और मेरी अपॉइंटमेंट थी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ, तो खैर मुझे सोसाइटी के बाहर मिल गए थे ऑटो वाले भैया। मैं टाइमली पहुंची गई थी डॉक्टर के पास, उनको दिखाया, अपने सर्वाइकल पेन की दवाई ली और घर आके बना दी दोनों के लिए मैंने टेस्टी सी कॉफ़ी। थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो ही गया था और आज सबका मन कर रहा था दाल ढोकली खाने का, तो बस मैंने फटाफट से दाल बना दी और ढोकली के लिए आटा गूंद दिया और जल्दी से डिश रेडी कर दी। दाल ढोकली काफ़ी अच्छी डिश बनती है, राजस्थान गुजरात की फेमस है, काफ़ी इजीली बन जाती है ये डिश और जितना आसानी से बनती है उतनी ही टेस्टी बनती है। हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर नीर को मैंने बिठा लिया अपने साथ। दिन भर में उसने जो भी पढ़ाई करी थी सारी मैंने सुनी, थोड़ा सा उसका होमवर्क रह गया था वो कंप्लीट कराया। बस ऐसे ही रहा आज का दिन।